अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहु सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देर हो रही है। खूब भाई, ये वो इतनी जल्दी मूछ कहाँ से आ गई? आई नहीं है माधवी, लाई है। मेरे एक पहचान के जो बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट है आनंद दादा, उनसे मांग कर लाया हूँ। क्या अभी नकली पत्रकार बनाऊ ना, तो असली पत्रकार लगने के लिए नकली मुझे लगा रहा हूँ ताकि असली पत्रकार लगू, समझी? आप समझे? बस चलो जल्दी चलो ना। ये देखो, बार बार मुझे निकल रही है, लगता है ये गम एक्सपायर हो गया है। जरा दूसरा लेके आओ ना अंदर से। हाँ अभी लाती हूँ। अपड़ो छेती कार मई। हाँ आया आया, जल्दी आया। लौकर माधवी, लौकर। क्या क्या? चलो चलो। दया चलो। अरे दया आई आई। चलो चलो। ओहो लग रही हूँ ना पत्रकार एकदम। अभी से भाई बच्चन, मैं दया टोपू के पापा गड़ा भचा न्यूज़पेपर से आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी पत्नी ऐश्वर्या अभी आपको मारा मारी करने से मना नहीं करते? आप खाना खाते हो? आपको कौन सा खाना पसंद है? अरे ओ दया महादेवन, आप जरा श्वास खाओ। एक ही श्वास में इतने सारे सवाल पूछती रहेगी तो अभिषेक भाई बच्चन जवाब कब भी देंगे। सॉरी जेठा बहू। हाँ बाप। चलो दया। ओ हो हो बाबू जी, क्या मस्त कुर्ता बनाया आपने, लग रहा है एकदम पत्रकार। लेकिन तू नहीं लग रहा। क्यों? ये क्या है, क्या है? शादी में जा रहा हूँ ऐसा शर्ट पहने? अरे शर्ट छोड़े बाबूजी, जैकेट देखिए। जगमग शर्ट के ऊपर जैकेट पहना तो पत्रकार। हाँ पत्रकार पोपटलाल भी ऐसे ही जैकेट पहनता है ना। ठीक है चल। हाँ चलो। नमस्कार दादा जी। अरे मधु बाबी, आपके साथ में कौन है? जेठालाल। अरे भिड़े तू है? हाँ? ये रातों रात मूछ कैसे उगा ली? नहीं उगाई नहीं है जेठालाल, ये चिपकाई हुई है, नकली है नकली। भिड़े भाई एकदम असली मूछे लग रही है। दया भाभी आप भी एकदम असली पत्रकार लग रही है। थैंक यू। शबनम वगैरह बक। और ईयरप्रा, इसकी बैटरी चार्जिंग कर लिया और साथ में टेप भी ले लिया ना? अरे सब कंप्लीट है सोड़ी, मैंने 10 टेप ले लिए, डोंट वरी। सोड़ी भाई, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट भूलने वाले नहीं है। साइंटिस्ट सुब्रमण्यम सब्बू। ओ अब्दुल, और तू भी आना है, तू साथ में आएगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सोड़ी भाई मेरा भी आने का बहुत मन है, लेकिन क्या करूँ, दुकान का सामान आने वाला है ना, नहीं तो मैं जरूर आता। अखिल भारतीय क्षेत्रीय पत्रकार संगठन, वे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, तुमने पढ़ा बहुत अच्छा, अखिल भारतीय क्षेत्रीय पत्रकार संगठन। लेकिन पत्रकार लगने भी तो चाहिए। तो लग तो रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पत्रकार ही लग रहे हैं आप लोग। व्यवहार में, व्यवहार में। जल्दी जल्दी भाई, सब लोग आ गए, आ गए। चलो भाई चलो चलो। हाँ चलिए आइए भाई, आइए। क्यों हुआ बापू जी? कुछ नहीं हुआ, वो तो पत्रकार की एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या हुआ, एक्टिंग अच्छी नहीं हो रही? रहने दीजिए ना बापू जी,
भिड़े ओ जेठालाल आइए 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 बाबू आइए। भाई चलो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। अरे बबीता जी क्या मस्त लग रहे, पत्रकार लग रहे नहीं एकदम। अरे थैंक यू सो मच। अबे पिड़ो हमारे जमाने के पत्रकार, और मुझे देखो बड़ा क्यूट लग रहा है यार। छोड़ी यार तुम्हारी असली है ये नकली है, निकल जाएगी, बड़ी मुश्किल से चिपकाई है मैंने। ओ क्राकटा अपनी तो एकदम असली है भाई। चलो अभी निकले सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। एक मिनट, कल जो मैंने सारे नियम आप लोगों को बताए थे वो सब आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। नियम नंबर एक। अरे हो गया, याद है भाई, याद है। चलो चलो अभी लेट हो रहा है, चलो अभी चलो सब याद है। आजा भाई आजा, बस मैं बता दूँ। डिसिप्लिन में भाई, याद रहो, जाने दो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अरे रुको रुको सब लोग रुको रुको, आई कार्ड, आपका आई कार्ड कहाँ है? सर मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। आपके पास आई कार्ड नहीं है और आप बोलते प्रेस रिपोर्टर हूँ? सच सच बताओ कौन है तू? सुना है यहाँ बोल बच्चन के स्टार आने वाले हैं, मैं दूर से बैठ के उनको देख लूंगा, जाने दो ना सर। आप अंदर नहीं जा सकते सर, प्लीज सर जाने दीजिए ना। बोला ना आप अंदर नहीं जा सकते। कुछ मांडोली कर लो, जाने दो। सीधी तरह जाता है क्या, धक्के मार के निकालूं? जाओ जाओ जाओ, बोला ना। ओह यहाँ तो सॉलिड चेकिंग चल रही है। सुनो आप सब एक काम करो, आप सब वापस घर चले जाओ। और कुछ नहीं होगा पप्पू। और यार चलो भाई साहब संभल के। ओ सॉरी जी सॉरी। चलो भाई साहब आप कौन से न्यूज़पेपर से हैं? ओए पापा जी। पीपीसी न्यूज। हाँ पंजाबी पारसी कॉरपोरेशन, ओ वर्ल्ड फेमस। कभी सुना नहीं। हाँ क्योंकि ये एजेंसी इंटरनेट न्यूज की है, वेब न्यूज, वेब न्यूज। हाँ आप सब पीपीसी न्यूज से हैं? नहीं नहीं हम दोनों भजो एक्सप्रेस से हैं। हाँ अच्छा वो भी इंटरनेट पे ही आता है? नहीं नहीं ये तो कागज पे छपता है। उसका सर्कुलेशन कितना है? कच्चे कच्चे भाषा में आता है। हाँ। नहीं जैसा सर्कुलेशन मतलब रोज का कितना बिकता है अखबार? हाँ जितना छपता है। नहीं नहीं कितना छपता है? वो तो जितना ऑर्डर मिलता है हिसाब से छापते हैं। चलो चलो पिक्चर चालू हो जाएगा। पिक्चर मतलब वो? अरे भाई इनका मतलब है कि वो अंदर कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। कॉन्फ्रेंस? कैसी कॉन्फ्रेंस? मतलब आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए? अरे नहीं नहीं मैं तो यहाँ खाना खाने के लिए आया था। भीड़ देखी, सिक्योरिटी देखी, रुक गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सिक्योरिटी को यहाँ क्यों बुला रहे हो? सॉरी उधर से ही देखो। गया 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 गया। चलो हम लोग चलें। हाँ चलो 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 आओ आइए आइए, एक के बाद एक। बबीता जी मैं संभल के आइए आओ दे। एक्सक्यूज मी सर, आपका आई कार्ड कहाँ है? ये क्या? मेरा आई कार्ड कहाँ गया? भूल गया लगता है जेठालाल। तो मेरा अंदर है, अंदर है। अरे आई कार्ड बाहर कार्ड। ओ हो हो ये बाहर निकालो। हाँ हाँ ये एक मिनट रुक रे तो बाबू चक। सॉरी बाबू जी वो पता नहीं कब कैसे अंदर चला गया। क्या डाला तुम भी? अरे शांति रखो ना भाई अभी इधर।
अनिका ना अनिका सॉरी सर आइए चलिए आई कार्ड चल माझं बाहेर आहे अरे देवा आओ यहाँ तो सब बैठ गए तो मुझे क्या पूछ रही हो इसको पूछो पत्रकार पोपटलाल को अभी सेक्रेटरी वो है ना पोपट बहुजी का है पोपट भाई हाँ। आगे बैठने का कुछ इंतजाम नहीं हो सकता क्या आपको आगे बैठते हैं बबीता जी हाँ कोई बात नहीं मैं कुछ तिकड़म चलाता हूँ हेलो 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 सुनिए 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 बोल बच्चन के सभी कलाकार बाहर आ चुके हैं चाय नाश्ता कर रहे हैं जिन जिन को उनके साथ चाय नाश्ता करने का आनंद लूटना हो वो कृपया करके बाहर जाए और आनंद लूटे शुक्रिया अरे अय्यर भाई आप अरे एक मिनट अरे बंद करो भाई बंद करो बबीता जी को आगे बैठने को उनको आगे बैठने हैं भाई आप कहाँ बैठ गए नहीं नहीं बैठिए आप आगे बैठिए अच्छा सब दिखेगा बराबर बैठो थैंक यू सो मच जीता रोशन जरा संभाल अरे कौन था अरे किसने बोला बाहर आर्टिस्ट आए करके Hello, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Please be ready with your questions and your cameras on, please. अभी कुछ ही देर में बोल बच्चन के स्टार्स अभिषेक, प्राची, आसन और उनके डायरेक्टर रोहित शेट्टी यहाँ आ ही रहे हैं. इसकी ताल ताल है सतरंगी चाल ढाल है अतरंगी दिन में भी दिखा दे ये तारे रंग बिरंगी बोल 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 सुन सुन भोले का बच्चन अरे बैठ जाइए भाई आप लोग संभल के भाई संभल के संभल के इधर इधर पीछे सॉरी जगह जगह कहाँ बैठ गया सब लोग नमस्ते नमस्ते आप सबका स्वागत है वो बोल रहे आपका स्वागत है वाह वाह हमें बोलना चाहिए आपका स्वागत है ये होती है मानता पत्रकार मित्रों आप अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं पूछिए बैठ जाइए बैठ जाइए ये लोग पत्रकार हैं कि फैन पोपटलाल ये लोग सब कौन है वो सॉरी अभिषेक जी रोहित जी एक्सट्रीमली सॉरी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था लेकिन मैं पत्रकार पोपटलाल मैंने खास आज की कॉन्फ्रेंस के लिए
देश के अलग अलग प्रांत से छोटे छोटे पत्रकारों को, मेरा मतलब है कि देश के अलग अलग प्रांतों के छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े पत्रकारों को आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खास इन्वाइट किया है, ताकि आपके फिल्म का प्रमोशन देश के कोने कोने में पहुंच सके। नहीं ठीक है, मजा आ रहा है। हाँ जी पूछिए। पहले अभिषेक भाई, आप पापा बन गए इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आपकी ढिंगली कैसी है? ढिंगली माने? आपकी छोटी सी गुड़िया। ओके ओके, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो अब तक तो आपको हल्लड़ा गाना आ गया होगा ना? हल्लड़ा माने लोरी। लोरी लोरी बहुत कम गाता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ। हाँ, पत्रकार मित्र, आप यहाँ अभी लोरी मत गाइए वरना सब सो जाएंगे। रोहित जी नमस्कार, मैं तारक मेहता हूँ, मारवाड़ की महानता मंथली मैगजीन से। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल जो फिल्में बनती है तो प्रोड्यूसर्स कुछ इस तरह से फिल्में बनाते हैं, और डायरेक्टर्स भी, कि सीक्वल की गुंजाइश छोड़ देते हैं एक के बाद दूसरी। और आपने तो पहले भी सीक्वल बनाया गोलमाल का, गोलमाल रिटर्न्स, और तो क्या आपके दिमाग में है कि आप बोल बच्चन का भी सीक्वल बनाएंगे? हाँ हाँ, मैंने तो टाइटल भी सोच लिया है। अच्छा, बोल बच्चन, बोल बच्चन फिर से बोल। अरे बच्चन क्यों बोल रहा है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल। मेरा एक सवाल है। नमस्ते, मैं माधवी भिड़े और ये मेरे कलीग। आप लोगों को अचार पापड़ पसंद है? अचार पापड़? ये सवाल आप लड़कियों से पूछिए, खाना बहुत पसंद है दोनों को। अचिन जी, प्राची जी, आपको अचार पापड़ पसंद है? हाँ बिल्कुल। आगो पहले पगा। अभी उनसे ऑर्डर मत लेना, अभी दूसरा सवाल पूछो। हाँ, मेरा दूसरा सवाल, एक मिनट। हाँ रोहित जी। हाँ पूछिए। पिक्चर बनाने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़े? अरे मैडम आपको क्या बताऊं, पिक्चर बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हो ना, मैं भी रोज बहुत सारे पापड़ बेलती हूँ। माधवी भाभी। हाँ बाबा, माधवी जी बैठ जाइए आप। हाँ बैठ जाइए। पत्रकार बापू जी, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, आप भी पत्रकार है। नहीं नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं है, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ। रोहित बेटा, तुम फिल्म बहुत बढ़िया बनाते हो, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हो। थैंक यू। मेरा एक पोता है टप्पू, तो मैं और मेरा पोता जब भी आपकी फिल्म देखते हैं ना, तो इतना हंसते बहुत मजा आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक दादा और पोते पर भी फिल्म बनाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी टीम एक स्क्रिप्ट लिख रही है जिसमें दादा और पोते की कहानी है, और दादा पोते के बीच में जो बाप है वो हमेशा पिसते रहता है। बहुत बढ़िया पिक्चर बनेगी इसके ऊपर रोहित भाई, और इसके लिए अगर आपको हो कहानी में, स्टोरी में कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बोलना, मेरे पास एक से एक बढ़िया सीन तैयार ही है। शुक्रिया शुक्रिया। हाय हाय अभिषेक। हाय अभिषेक, इवन आई एम अ बंगाली लाइक अ मदर। तो मैं आपको बांग्ला में सवाल पूछती हूँ, ओके? अपना प्रिय एक्टर के? हमारा फेवरेट हीरो डैड। अरे उनका तो पूरा हिंदुस्तान फैन है, हम सारे भी, क्या बात है बच्चन साहब। हाँ एकदम एकदम, दिल और जान से चाहते हैं उनको। अपना प्रिय एक्ट्रेस के? शादी कर ली उनसे। ओह हाउ स्वीट। और आपका फेवरेट पत्रकार कौन है? फेवरेट पत्रकार Without doubt, आप। वाह वाह, क्या जवाब दिया अभिषेक जी, वाह बहुत बढ़िया। मेरे और आपके ख्याल एकदम मिलते जुलते हैं।
प्रचविन नमस्ते। प्रचविन आप तो गुजराती हो तो आपने बोल बच्चन फिल्म में गरबा तो खेला ही होगा ना? अरे क्या करे, रोहित ने गरबा रखा ही नहीं। वेरी बैड रोहित भाई। रोहित भाई आप फ्लैश फिल्म में गरबा रखियो ना, मजा आ जाएगा। मैडम अभी तो फिल्म रिलीज हो रही है, वरना जरूर रख देता। लेकिन अभी दो तीन दिन बाकी है, गरबा का शूटिंग कर लीजिए ना, 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में शूटिंग? नहीं मैडम, नहीं हो सकता। I'm really sorry, अगली बार जरूर रखूंगा। लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी लाइफ में पहली बार हो रही है। ऐसा लग रहा है फुटबॉल मैच टेनिस से खेली जा रही है। हाँ कसम से। लेकिन ये पत्रकार पत्रकार नहीं दिख रहे मुझे। हे भगवान, पक्का पकड़े जाएंगे यार। शादी के लिए लड़की तो मिल नहीं रही है, अब नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों सर्कस में आया कोई नया करतबबाज जो किसी ऐसी रस्सी पे चल रहा हो जो बहुत ऊंचाई पे बंधी और उसके पास कोई सहारा न हो तो उसको कितना टेंशन होगा। उतना ही टेंशन हो रहा है हम गोकुलधाम निवासियों को जो इस बोल बच्चन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकली पत्रकार बन के आ गए। आ तो गए हैं लेकिन अगर हमसे जरा सी भी गलती हो गई तो हम तमाम नकली पत्रकारों की असली बैंड बच जाएगी। भाई हम नकली पत्रकार हैं तो जाहिर है हमारे सवाल भी अजीब ही होंगे। अब देखना यह है कि अजीब सवालों का इतने बड़े स्टार्स अभिषेक बच्चन, आसिन, प्राची देसाई, रोहित शेट्टी क्या जवाब देते हैं। अब देखना यह है कि यहां क्या क्या हंगामे हो सकते हैं। भाई बहुत कुछ हो सकता है। हम कैसे सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दिए जाएंगे, क्या हम नकली पत्रकार बने रहने में कामयाब होंगे, ये सब अगर जानना है तो आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।